दुर्गा माता देवी भवानी जय जय दुर्गा देवी माता दुर्गा माता देवी भवानी जय जय दुर्गा देवी माता दुर्गा माता देवी भवानी जय जय दुर्गा देवी माता दुर्गा माता देवी भवानी जय जय दुर्गा आनंद रूपिणी शांति स्वरूपिणी आनंद रूपिणी शांति स्वरूपिणी आनंद रूपिणी शांति स्वरूपिणी करुणा कृपामयी जय जगदम्बा करुणा कृपामयी जय जगदम्बा करुणा कृपामयी जय जगदम्बा देवी माता दुर्गा माता देवी भवानी जय जय दुर्गा देवी माता दुर्गा माता देवी भवानी जय जय भवभयहारिणी सिद्धि प्रदायिनी भवभयहारिणी सिद्धि प्रदायिनी हृदय विलासिनी जय जय दुर्गा हृदय विलासिनी जय जगदम्बा हृदय विलासिनी जय जगदम्बा देवी माता दुर्गा माता देवी भवानी जय जय दुर्गा देवी माता दुर्गा माता देवी भवानी असुरसंहारिणी मोक्ष प्रदायिनी असुरसंहारिणी मोक्ष प्रदायिनी अम्बा शरणं मा अम्बा शरणं मा अम्बा शरणं मा अम्बा शरणं मा आनंद रूपिणी शांति स्वरूपिणी आनंद रूपिणी शांति स्वरूपिणी आनंद रूपिणी शांति स्वरूपिणी ओ करुणा कृपामयी जय जगदम्बा करुणा कृपामयी जय जगदम्बा ओ करुणा कृपामयी जय जगदम्बा देवी माता दुर्गा माता देवी भवानी
जय जय दुर्गा। देवी माता दुर्गा माता देवी भवानी जय जय दुर्गा। आनंद रूपिणी शांति स्वरूपिणी कृपामयी जय जगदम्बा। करुणा कृपामयी जय जगदम्बा। हृदय विलासिनी जय जगदम्बा। हृदय विलासिनी जय जगदम्बा। देवी दयामयी जय जगदम्बा। द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् कालेन रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तल्लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिना वरः नमो घातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीतिते विनय करै सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करै हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा बदन पैठ बिस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता नि रखी परम पद लीन्हा पादु जारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुरपुर मह भाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता
जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु बज की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरि उर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाए के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा जा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही पाए परो करी जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता मदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हे मार दुर शपथ राम की राघव नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो जय 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 दिन होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होए आनंद हमारो बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा धरे उर ध्यान देहि के कारज सकल सुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे हनुमान। ओम शत्रुमर्दिनी नमः। ॐ श्री अंबिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः। ॐ शुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुंडा नमः। ॐ मधुकेतवहन्त्री नमः। ॐ नरकांतका नमः। ॐ भंडासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिर्दीसाईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः। ॐ सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माताजी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में
इस सुंदर प्रातःकालीन वेला में जहाँ प्रकृति तत्पर है, सज्ज है परम चैतन्य को अपने भीतर समा लेने के लिए, प्रकृति उत्सुक है। कि कब सहज योगी सामूहिक रूप से ध्यान में उतरेंगे और उनका चित्त प्रकृति के ऊपर मां आदिशक्ति की हर सृजन के ऊपर पड़ेगा। और वो भी परम चैतन्य के भागीदार बनेंगे। तो आइए इस कार्य में विलंब न करते हुए सामूहिक ध्यान में उतरे और हर प्रकार की नकारात्मकता जो हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, जो तंत्र विद्या का दुरुपयोग करते हैं, सहयोगियों को बाधित करते हैं, उनके विषय में श्री माता जी की नवरात्रि के दिनों की एक अमृत वाणी का कुछ अंश सुनेंगे और महसूस करेंगे कि माँ के हर शब्द के साथ हमारी क्लियरेंस हो रही है। अपने चित्त को पूर्ण रूप से एकत्रित करेंगे, बाहरी दुनिया से समेट लेंगे, पटोर लेंगे। कोई भी गतिविधि महत्वपूर्ण नहीं है इस समय। हर जगह से चित्त हटाएंगे, खट्टा करेंगे, धीरे धीरे बटोर के अपने पूरे चित्त को बाएं हृदय में रख देंगे, सहेज के रख देंगे, जैसे कपड़े फोल्ड करके किसी बॉक्स में रख देते हैं। ऐसे ही चित्त बटोर लेंगे और बाएं हृदय के अंदर जाके अपनी आत्मा के साथ रख देंगे। पूर्ण रूप से चित्त को शांत करेंगे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा सादर नमन। और इतना विचार जब मानव हृदय में आ जाता है तो सत्ययुग की शुरुआत हो ही गई। ये परम भाग्य है हमारा भी कि षष्ठी के दिन कलकत्ते में आना हुआ। जैसा कि विधि का लेखा है कि कलकत्ते में षष्ठी ही के दिन आया जाता है। षष्ठी का दिन शाकंभरी देवी का है और उस वक्त सब दूर हरियाली छानी चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैंने सुना कि बहुत ज़ोर की बाढ़ आई, लोगों को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन देखती हूँ कि हर जगह हरियाली छाई हुई। रास्ते टूट गए थे पर कोई पेड़ टूटा हुआ नज़र नहीं।
मतलब ये कि सृष्टि जो कार्य करती है उसके पीछे कोई न कोई निहित एक गुप्त सी घटनाएं होती हैं। कलकत्ता का वातावरण अनेक कारणों से प्रक्षुब्ध है और अशुद्ध भी हो गया, इसे हमें समझ लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देवी की अवकृपा हुई है, या कहना चाहिए कि सफाई हुई। कलकत्ते में जहाँ की साक्षात देवी का अवतरण हुआ, इनका स्थान यही जो कि सारे विश्व का हृदय चक्र यहीं पे बसा हुआ है, ऐसी जगह हम लोगों ने बहुत ही अधार्मिक कार्यों को महत्व दिया। और सबसे बड़ा अधार्मिक कार्य तांत्रिकों को मानना है। तांत्रिक तो वास्तविक में माँ ही है, क्योंकि सारे तंत्र उसके हाथ में हैं, उसी ने तंत्र बनाए हैं और वही तंत्र की जानकारी जानती है। पर जो तंत्र के नाम पर दुनिया भर का व्यभिचार, अविचार और आचार करते हैं, उन सभी के लिए मेरा ये कहना है कि उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। सतयुग में ऐसे लोगों पर घोर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, ऐसे लोग बहुत पीड़ित होंगे। इस कलकत्ते में इतने तांत्रिक लोग हैं और उनसे दीक्षित इतने लोग हैं कि उनसे किस प्रकार कहा जाए कि ये सब गलत चीज़ें हैं, इसे करने से कभी भी लाभ नहीं होगा, ये दुष्टों की चालना है और यही राक्षस हैं जो कि बार बार जन्म लेते हैं, इतने बार हनन होने पर भी ये संसार में आ करके और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं, और वो भी परमात्मा के नाम, देवी के नाम। इस मामले में जो हमारी धारणाएं हैं उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि सहयोग जो है वो सत्य पे खड़ा है, असत्य पे नहीं। और जो सत्य है वो हमें आपको बताना ही है। अगर आप ज्वाला की ओर दौड़ रहे हैं, अपने को भस्म कर रहे हैं, तो हमें साफ शब्दों में आपसे बताना है कि ये गलत काम है, उधर नहीं जा। और इसीलिए मैं बड़ी व्यग्र हो जाती हूँ और सोचती हूँ कि किस तरह से समझाया जाए कि इन लोगों से शापित इस भूमि को अगर आपको वाकई में उठाना है तो ज़रूरी है कि पहले इन लोगों की ओर न मुड़े। ऐसा लगता है कि त्राही त्राही होकर के लोग सोचते हैं कि यही कुछ लोग फ़ायदा कर देंगे, लेकिन ये फायदे से कहीं अधिक ज़्यादा आपका नुकसान करते हैं। इनको तो जहर समझ करके दूर रखना चाहिए। जब तक आप ये कार्य यहाँ पर जोरों में शुरू नहीं करिएगा और एक एक का भांडा नहीं छोड़िएगा, तब तक ये भूमि शापित रहे। मैं इस भूमि पर अनेक बार आई हूँ, लेकिन इस जन्म में जब मैं आई तो देखती हूँ कि धीरे धीरे ये भूमि नष्ट हो जा रही है। इतनी बड़ी ऊंची साधना प्राप्त की हुई ये भूमि, जहाँ की गंगा भी बह करके असातल पे जा करके, और जिन्होंने भगीरथ के प्रयत्न से उनके इतने पूर्वजों को शाप विमुक्त किया, इस भूमि की धूली को ले जा करके वो ये कार्य कर सकें, उस पुण्य भूमि पर इस तरह के अपुण्य के कार्य बहुत हो रहे हैं। ये हम लोगों को जान लेना चाहिए कि इन्हीं अत्यंत सूक्ष्म ऐसी बातों से ये हमारा बांग्लादेश इस तरह से आहत हो गया है। जब मैं सुनती थी यहाँ पर बहुत से राजकारण और राजकीय दौर पड़ रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य में बहुत सा झगड़ा खड़ा हो गया है, आपस में गला काट रहे हैं, इसको उसको मार पीट रहे हैं, कोई समाधान नहीं है,
हत्या हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो आप इसे बाह्य से देखते हैं, इसका मूल कारण ये तांत्रिक योग, ये स्मशान विद्या, प्रेत विद्या आदि अत्यंत हानिकारक विद्या से अपने को बहुत होशियार समझते हैं और सबको बेवकूफ बना करके, उल्लू बना करके, उनसे रुपया पैसा ले करके उनमें ये दुष्ट बाधाएं डाल देते हैं। उस बाधा के कारण मनुष्य एक संभ्रांत स्थिति में पड़ जाता है और उस स्थिति से वो उलझता हुआ पूर्णतया भ्रांति में हो जाता है। उस भ्रांति में वो समझ नहीं पाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। ऐसी दशा में इन लोगों के बारे में अगर मैं साफ साफ तौर से आपसे नहीं कहूँगी तो आपका बचाव कैसे होगा। बहुत से लोग मुझे सलाह देते हैं कि माँ आपको इतना साफ कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर माँ नहीं कहेगी तो कौन आपको बताए। माँ को ये बात ज़रूरी बता दें। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी माँ कहेगी कि अच्छा जाकर बेटा तू सांप के मुंह में हाथ डाल दे। किसी की भी ऐसी माँ इस भारतवर्ष में है जो कहेगी अच्छा ठीक है ये सांप है उसके मुंह में हाथ डाल। जिनको इलेक्शन लड़ना है या कुछ पाना है वो इस तरह की बातें करेंगे, वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो समझौता करेंगे, लेकिन एक माँ जो अपने बच्चों से नितांत प्रेम करती है वो कभी भी ऐसी बातें नहीं कह सकती जो बातें अपने बच्चों के लिए हानिकारक है। और उसे किसी का डर भी नहीं है, ये लोग कर भी क्या सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि जो भूले भटके हमारे बच्चे हैं उनको पकड़ करके उनको सताते। उसी प्रकार अनेक दुष्ट गुरु लोगों ने इस कलयुग में जन्म लिया है। ये भी पूर्व जन्म के महिषासुर, नरकासुर और सारे चंड मुंड जिन जिन का आप नाम ले रहे हैं उनसे भी अधिक मात्रा में सब के सब पैदा हुए। इनमें से 16 महा मुख्य राक्षस लोग इस संसार में आए, रावण का भी आगमन हो चुका है, सारे ही लोग स्टेज पर आ चुके। अब इनको मारा कैसा जाए, इनका कर्दन काल तो आ गया लेकिन मारा कैसा जाए, हाथ में तलवार लेकर काट तो सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन वो जनसाधारण के हृदय में घुस गए, उनके मस्तिष्क में घुस गए, उसके अंदर जमा होकर के बैठे हुए हैं, उनको ये लोग गुरु मानते हैं, तो मैं क्या करूं, क्या मैं अपने बच्चों की भी गर्दनें काट दूं इनके साथ। तो बेहतर यह है इन्हीं को जनता से ही एक दिन हार खानी पड़ेगी, यही पूरी तरह से सबके सामने स्पष्ट हो करके इनका स्पष्टीकरण होगा, एक्सपोजर होगा और लोग देख करके समझ लेंगे कि जो माँ इनके बारे में कहती थी एक एक बात सही है। जर्मनी में एक साहब ने गुरुओं के खिलाफ लिखा कि यह ऐसी कोई चीज़ है कि इसमें एक गुरु को मानते हैं और फिर दुनिया में कोई चीज़ को नहीं मानते। अब वो आधे अधूरे लोग हैं, वो नहीं जानते कि हमारे देश में अनेक वर्षों से, अनंत काल से गुरुओं के बारे में बताया गया है कि एक तो होते हैं सद्गुरु जो कि आपको परमात्मा से मिला, सद्गुरु वो ही जो साहिब मिले, जो आपको परमात्मा से मिलाता है वो सद्गुरु, फिर गुरु जो कि परमात्मा के बारे में बातचीत करके आप में धर्म बिठाता है, फिर अगुरु जिनमें गुरुत्व नहीं है, जो आत्म साक्षात्कारी भी नहीं है तो भी वो अपने को गुरु समझ करके और लोगों को बातें बताते हैं और पैसा ऐसा भी लेते होंगे। जैसे हमारे पादरी साहब हैं समझ लीजिए या पोप साहब हैं, ये लोग अगुरु हैं, इनमें
कोई भी इनकी कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है, इनमें कोई विशेषता नहीं है और धर्म के नाम पे चर्चा कर। ऐसे अपने देश में बहुत से लोग हैं, अधिकतर अपने सारे शंकराचार्य ऐसे ही। एक शंकराचार्य कांची के जो पुराने छोड़ करके सब शंकराचार्य बिल्कुल अगुरु है, उनकी कुंडलिनी तो नीचे बैठी हुई है। और जिनकी कुंडलिनी भी नहीं चढ़ी हुई उनको हम लोग गुरु मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन हो सकता है गुरु का, परमात्मा से ये आनी चाहिए ना चीज़, समझने की बात है, ये तो चीज़ परमात्मा से आनी चाहिए। जय श्री माता जी। अपने चित्त को पूर्ण रूप से बाएं हृदय में रख के प्रकाशित करेंगे। मां आपकी कृपा से मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ये मन बुद्धि अहंकार नहीं हूं। श्री माता जी मैं शरीर नहीं हूं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नहीं, मैं सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूं, सिर्फ एक शुद्ध आत्मा हूं, एक शुद्ध आत्मा हूं। पूरा चित्त आत्मा में आत्मा के गुणों से ओतप्रोत हो रहा है। धीरे धीरे इस प्रकाशित चित्त को निकालेंगे बाएं हृदय से और धीरे धीरे दाएं हृदय में लाएंगे। हे प्रभु श्री राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री विष्णु जी के अवतरण श्री राम, कृपा कीजिए माँ सीता के साथ आप मेरे दाएं हृदय में विराजे। पूरा चित्त दाएं हृदय में, धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा के श्री चरणों में, माँ निर्मला के श्री चरणों में नमन करेंगे और यहाँ बैठे सभी देवी देवताओं को नमन करेंगे। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, आप माँ ललिता के सलाहकार हैं, आप माँ के रक्षण में सदैव तत्पर हैं, आप चतुर हैं, आप दुष्टों की बुद्धि हर लेते, आप सभी विघ्नों को हर लेते, आप सर्वत्र ओंकार के रूप में है, स्वस्तिक के रूप में है, पार्वन के रूप में है, सृष्टि के कण कण में आप हैं। हे प्रभु श्री गणेश, माँ जगदम्बा, हमारे रक्षण के लिए आपको सज्ज करती है,
आप सदैव हमारे मध्य हृदय में विराजे और हमारा रक्षण कीजिए प्रभु। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। महसूस करेंगे श्री गणेश जी को मध्य हृदय में, बहुत सुंदर। अब श्री कार्तिकेय जी को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरी दाएं मूलाधार में, मेरी पिंगला में सदैव कार्यरत रहते हैं आप शिव शक्ति के पुत्र हैं, राक्षसों का वध करते हैं आप, तांत्रिकों को नष्ट करते हैं। हे प्रभु श्री कार्तिकेय, शिव शक्ति के प्रथम पुत्र जिनका सृजन हुआ उनकी समन्वय शक्ति से नकारात्मकताओं का अंत करने के लिए जागृत हो जाए, जागृत हो जाएंगे प्रभु, जागृत हो जाएंगे। पूरा चित्त मध्य हृदय में विराज देवी देवताओं की वंदना में, चिर बालकों के आवाहन में पूरा चित्त श्री भैरव नाम आप माँ जगदम्बा के अनन्य भक्त हैं। आपका तंत्र ज्ञान बहुत ही उच्च कोटि का है। आप तांत्रिकों को वश में कर लेते हैं। ये प्रभु भैरव नाम कृपा कीजिए, मेरे शरीर के बाएं भाग में आप अपनी मशाल लेकर विचरण कीजिए। भूतकाल से आई, तांत्रिकों से आई सारी बाधाओं को भस्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिए। पूरा चित्त मध्य हृदय में माँ जगदम्बा के दरबार में श्री हनुमान कृपा कीजिए। हे पवन पुत्र हनुमान, आप तो सभी बिगड़े कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। आप तो सभी बाधाओं को हर लेते हैं। संकट मोचन हनुमान जी, जागृत हो जाइए। मेरी पिंगला नाड़ी में जो भी दोष उत्पन्न हुए, जो भी गर्मी, सूर्य की गर्मी, अत्यधिक गर्मी उत्पन्न हुई है, उसको आप संतुलित कर दीजिए।
पूरा चित पिंगला नाड़ी में श्री हनुमान जी कार्यरत है। पवन पुत्र हनुमान चित्त को फिर से मध्य हृदय में रखेंगे। माँ जगदम्बा के दरबार में अब सभी देवी देवता अक्षाक लेते हैं। माँ मध्य में विराजी है। माँ जगदम्बा ही हमारे ब्रह्म रंध्र को खोलती है। हर नकारात्मकता से हमें बचाते हैं, हर आंतरिक और बाहरी आक्रमण से हमारा रक्षण करते हैं। पूरा चित्त मध्य हृदय में ऊर्जा को गोल घूमने देंगे। मध्य हृदय में जगदम्बा जगदम्बा माँ जगदम्बा 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 माँ जगदम्बा 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 माँ जगदम्बा 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 माँ जगदम्बा। माँ जगदम्बा जगत जननी, आपने ही पूरी सृष्टि का निर्माण किया। आप ही देवताओं की और दैत्यों की माँ है। आप ही दुर्गा है, आप ही काली है। आप ही मेरा आत्मविश्वास, आप ही मेरी निडरता है। जागृत हो जाएंगे पूर्ण रूप से। सभी देवी देवता आपका इंतजार कर रहे हैं। जागृत हो जाएंगे पूरा चित्त मध्य हृदय में। चित्त को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। पूरा चित्त मध्य हृदय रीढ़ की हड्डी ठंडक आ रही है। बहुत सुंदर स्थिति। 12 पंखुड़ियों का ये चक्र घूम रहा है। ऊपर उठाएंगे चित्त को। विशुद्धि चक्र गली के अंदर रखेंगे। विशुद्धि चक्र का स्पंदन ऊर्जा गली के अंदर, जहां से हम गले की कैविटी से तालु भाग में आएंगे। श्री कृष्ण जी को महसूस करेंगे। श्री राधा कृष्ण को पूरा चित्त गले के भीतर नमन करेंगे। विराट विराटांगना को तालु में आएंगे, जहां हम जीभ से छू सकते हैं। तालु से अंदर अंदर होते हुए आज्ञा चक्र को लांघते हुए सीधे ब्रह्म रंध्र में आएंगे।
जैसे सुई से छेदन हुआ हो, पूरा चित्त ब्रह्म रंग पे। फैलता हुआ परम चैतन्य, माँ चरणों से बहता हुआ परम चैतन्य पूरे सहस्रार चक्र में फैलाएंगे। बीज की मांग में सभी चक्र विशुद्धि आज्ञा नाभि हृदय स्वाधिष्ठान और उसके भीतर मूलाधार पूरा सर दो भागों में चित्त को धीरे से माँ चरणों में रखेंगे। ब्रह्मरंध्र पे सहस्र कमल दल पे विराजे श्री माता जी को नमन करेंगे। हे माँ कृपा कीजिए, हमने अपना सर्वस्व आपको समर्पित किया। माँ आप हमें हल्का कर दीजिए, हर जिम्मेवारी से, हर सांसारिक कार्य से, हर बाधा से मुक्त कर दीजिए। चित्त को उठाएंगे अर्ध बिंदु पे, बिंदु पे, वलय पे, वलय से गिरने देंगे परम चैतन्य। अपने पूरे शरीर में चित्त को और ऊपर उठाएंगे, अनेकों चक्रों से होते हुए आकाश में आएंगे। और आकाश से परम चैतन्य बरसने लगा है पूरी सृष्टि में। प्यासी धरती में प्रवेश करेंगे, परम चैतन्य से भर देंगे। जल में वायु में प्रवेश करते रहेंगे, पंच तत्वों में, अग्नि में, यही पंच तत्व जो चैतन्य थे सभी नकारात्मकताओं को नष्ट करेंगे, भस्म करेंगे, तांत्रिकों के प्रभाव को निष्प्रभाव करेंगे। अग्नि और आकाश निराबाधा क्षेत्र, हर सहजी आकाश में चित रखें। बाधाओं के परे है ये तत्व, पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में फैला देंगे परम चैतन्य। सभी देशों में, प्रांतों में, पूरे विश्व में पावन कर देंगे। चित्त को उठाएंगे और ऊपर अंतरिक्ष में, ग्रह नक्षत्र तारे सितारे और ऊपर उठाएंगे, शून्य सरोवर में श्री सदाशिव
एक शिवलिंग के रूप में जिसके चारों ओर प्रकाश फूट रहा है। प्रार्थना करेंगे। कर चरण प्रथम वाकायजम श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत्क्षमस्य। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धि श्री महादेव शंभो। हे प्रभु हमें योग प्रदान कीजिए। समा जाएंगे इसके अंदर। प्रकाश में समा गए। समा जाएंगे निराकार स्वरूप में प्रभु। एक हो जाएंगे। योग घटित होने देंगे। पूर्ण रूप से योग घटित होने देंगे। आत्मा का परमात्मा में मिलन होने देंगे। सब शून्य है। सब शून्य है। सब शून्य है। धीरे धीरे प्रयास करेंगे बाहर आने का। चित्त को बाहर लाएंगे। प्रयास करेंगे एक बार और। चित्त को बाहर लाएंगे। नमन करेंगे। धन्यवाद करेंगे इस योग के लिए, इस अवस्था के लिए। अनंत कोटि नमन। अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे। सभी ग्रह नक्षत्रों में फैला देंगे परम चेतन। आकाश में आएंगे। पूरे विश्व में फैला देंगे परम चेतन। भारत में आएंगे, अपने प्रदेश में, देश में, अपने घर में आएंगे। बरसने देंगे परम चैतन्य।
हमारे भ्रमरन से प्रवेश करता हुआ हमारे पूरे शरीर में फैल रहा है। पहनने देंगे हाथ पैर में शरीर में अंग प्रत्यंग में धीरे धीरे चारों ओर फैलाएंगे परम चैतन्य परिवार में सबकी नकारात्मकताएं दूर हो सब सहज योग करें। पूरे समाज पे जिनसे हम जुड़े हैं सब जगह फैलाएंगे परम चैतन्य हर स्थान पे जहां हम जाते हैं चित्त को समेटेंगे फिर से ब्रह्मानंद पे लाएंगे माँ चरणों में। हे परमेश्वरी अनंत कोटि नमन अनंत कोटि धन्यवाद आपने हमें सहज योग दिया हमारी आत्मा को प्रकाशित किया आपने हमें अपना यंत्र बनाया। हे परम चैतन्य दायिनी माँ आपको अनंत कोटि नमन अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे आज्ञा पे विशुद्धि पे और मध्य हृदय में आएंगे परमेश्वर के श्री चरणों में नमन करेंगे माँ जगदम्बा की। आज के ध्यान के लिए उनके आशीर्वादों के लिए अनंत कोटि नमन अनंत कोटि धन्यवाद। जय श्री माता जी आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी 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 जय श्री माता जय श्री माता जी। अलका बेटा सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। बहुत सुंदर अद्भुत ध्यान यात्रा रही हर चक्र पर हर नाड़ी पर सभी देवी देवता सप्तों के साथ जागृत हो रहे थे। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं निरानंद निरानंद निर्विकल समाधि। थैंक यू माँ थैंक यू अलका बेटा बहुत सुंदर अभूतपूर्व अनुभूति। जय श्री माता साक्षात माँ जगदम्बा हृदय चक्र में विराजी हुई थी और जैसे जैसे जिस भी चिरंजीवी बालक को बुला रही थी अलका ऐसा हर पल हर क्षण यही लगा कि वो कार्य कर रहे हैं
सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमारे साथ चल रहे हैं। थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर। जय श्री माता, जय श्री माता। आज सभी बड़े कार्य कर रहे थे, सारी प्रार्थनाएं मान रहे थे, चारों जीवन बालक, और उन्होंने आज मेहनत की हमको ध्यान में उतारने के लिए, क्योंकि आज विषय ही कुछ ऐसा था, माने तो लिया, जिससे कहीं ना कहीं हम सभी ग्रसित हो जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। सभी देवी देवताओं का, माँ के चारों चिर बालकों का, माँ ललिता का अनंत कोटि नमन और अनंत कोटि आभार। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। आज मैं तो बोल रही थी सब घटित हो रहा था, लेफ्ट में राइट में थोड़ा घटित हो रहा था, जैसे सब बोल रही थी। क्लियरेंस बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से ऐसी लगातार चल रहा है। चलो, वेरी नाइस। जय श्री माता जी, थैंक यू श्री माता जी, जय श्री माता जी दीदी, जय श्री माता जी सभी लोगों, जय श्री माता जी दीदी, जय श्री माता जी।